गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूक्लियस की, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये क्या फंक्शन करते हैं। व्हेन वी लुक एट अ टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल, वी कैन सी अ लार्ज सेक्शन ऑफ ई सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल हम देखते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एक बड़ा सा रीजन क्या रहता है, पाया जाता है, इस रीजन को ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, और अगर इस पार्ट को कलर किया जाए, डाई किया जाए, तो इसमें बहुत कम कलर आता है, स्टेन कम आता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, इस पार्ट को, सेल के उस पार्ट को जो लिटिल स्टेन होता है और जो लार्ज स्पेस में पाया जाता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज फिल्ड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है कंटेंट से, ऐसे कंटेंट से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इट ऑल्सो कंटेंस मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा कंटेंट के अलावा वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये इन सारे ऑर्गेनेल्स का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो परफॉर्म किया जाता है साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल आर इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि उनके बाहर एक मेम्ब्रेन का कवर प्रेजेंट रहता है। इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफेंस न्यूक्लियर रीजन, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आर ऑल्सो एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं और न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि वो एब्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल, तो इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक के अपोजिट यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस, वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है आपका सेल मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन की वजह से कोई भी सेल क्या होती है, एक्टिवेट होती है। अगर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी तो जैसे वायरस के एग्जांपल के से हम समझ सकते हैं, वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, हैंस वो कोई भी करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शो नहीं करती है। कब तक, अनटिल जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर ना कर ले, उस लिविंग सेल की जो मशीनरी है वहाँ पर पहुंचने के बाद वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, जनरली स्मॉल 1 to 10 म्यूक्रॉन मीटर, यू जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसको म्यूक्रॉन बोलते हैं, म्यूक्रॉन मीटर इनका साइज होता है। और 1 μm इक्वल टू कितना होता है, 10^-6 मीटर, यानी कि मीटर से ये इतनी पावर क्या है, कम है। साइज ऑफ जनरली लार्ज यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 5 μm से 100 μm होता है। दूसरा डिफरेंस आपको पढ़ना है खुद बुक में, न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक की केस में। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड होता है, इसके साथ साथ वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है।
और एंड नोन एज, यहाँ पर आपको नोन एज के आगे डैश करके बताया गया है कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जो पुराने टाइप की जो सेल थी उनको ही प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होता है और यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन वन सेंट्रो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सर, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, वेयर एज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर एक जो मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है सेल के अंदर जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल कंटेंट हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या मीडियम से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूड सेल फ्रॉम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जितने भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं, चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की क्यों ना हो, उन सबको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, केमिकल एक्टिविटी की, कि वो अपने स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शन को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। यानी कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल क्या करती है, केमिकल एक्टिविटीज़ को करती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन मेंटेन रहता है। टू कीप दिस एक्टिविटी टू डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस सेल यूज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स विद इन डैम सेल पर। तो हर एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। और ये एक क्या है, फीचर है जिसके द्वारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में हम डिफरेंस कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर जिनको ऑर्गेनेल्स नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इन स्ट्रक्चर को हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। प्रीवियस सेक्शन में हमने न्यूक्लियस के बारे में बात किया था। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो यहाँ पर हम जिन ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे उनके नाम दिए गए हैं। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।